हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ब के फॉर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा B1, B2 एंड B3। इसमें हम लोग सीखेंगे B1 का हिंदी क्या होता है, उसका B2 क्या होता है, उसका B3 क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे, उच्चारण भी जानेंगे। आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। वीडियो बहुत बेहतर बनाया गया है आपको देखते हुए कि आपको पूरी के पूरे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ सके, साथ ही आप इसका हिंदी मीनिंग जान सके। एक से अधिक मीनिंग दिया हुआ है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो आइए आप देखते हैं वीडियो, शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है, देखिए, अबाइड। अबाइड का हिंदी होगा दृढ़ता से पालन करने वाला। V2 होगा अबोर्ड, V3 होगा अबोर्ड अबाइडेड। अगला वर्ड है एक्सेलरेट, चाल बढ़ाना। V2 होगा एक्सेलरेटेड, V3 होगा एक्सेलरेटेड। अगला वर्ड है अक्यूट, हिंदी होगा अभियोग से मुक्त करना। V2 होगा अक्यूटेड, V3 होगा अक्यूटेड। अगला वर्ड देखिए एड्रेस, संबोधित करना। अड्रेस्ड, V2 होगा एंड V3 होगा अड्रेस्ड। अगला वर्ड देखिए अजर्न या अजर्न पढ़ते हैं इसको, स्थगित करना, बंद करना। V2 होगा अजर्न या अजर्न, V3 होगा अजर्न। अगला वर्ड देखिए एडजस्ट, एडजस्ट अनुकूल बनाना, सुधारना। V2 होगा एडजस्टेड, V3 होगा एडजस्टेड। अगला वर्ड है एडमायर, एडमायर का हिंदी होगा गुणगान करना या प्रशंसा करना। V2 होगा एडमायर्ड, V3 होगा एडमायर्ड। अगला वर्ड देखिए एडमिट, एडमिट का हिंदी होगा दाखिला या भर्ती करना। V2 होगा एडमिटेड, V3 होगा एडमिटेड। अगला वर्ड है एडवर्टाइज, एडवर्टाइज का हिंदी होगा विज्ञापन देना या प्रचार करना। V2 होगा एडवर्टाइज्ड, V3 होगा एडवर्टाइज्ड। अगला वर्ड देखिए एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। V2 होगा एडवाइज्ड, V3 होगा एडवाइज्ड। अगला वर्ड देखिए अफेक्टेड, सॉरी अफेक्ट, अफेक्ट का हिंदी होगा प्रभाव डालना या असर करना। V2 होगा अफेक्टेड, V3 होगा अफेक्टेड। अगला वर्ड देखिए अफोर्ड, अफोर्ड का हिंदी होता है खर्च कर सकना या खरीद सकना। किसी चीज को अगर आप खरीद सकते हैं तो आप कहते हैं मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। V2 होगा अफोर्डेड, V3 होगा अफोर्डेड। अगला वर्ड देखिए अग्री, अग्री मतलब होता है सहमत होना या राजी होना। V2 होगा अग्रीड, V3 होगा अग्रीड। अगला वर्ड है एम, एम का होता है निशाना लगाना या लक्ष्य भेदना। V2 होगा एम्ड, V3 होगा एम्ड। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है एयर, एयर मतलब हवा में सुखाना या हवा करना। V2 होगा एयर्ड, V3 होगा एयर्ड। अगला वर्ड है अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, आज्ञा देना। अलाउ का V2 होगा अलाउड, V3 होगा अलाउड। अगला वर्ड है अम्यूज, अम्यूज का हिंदी होता है मन बहलाना या दिल लगाना। V2 होगा अम्यूज्ड, V3 होगा अम्यूज्ड। अगला वर्ड देखिए एनालाइज, एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। V2 होगा एनालाइज्ड, V3 होगा एनालाइज्ड। अगला वर्ड देखिए आंसर, आंसर का हिंदी होता है उत्तर देना। V2 होगा आंसर्ड और V3 होगा आंसर्ड। अगला वर्ड देखिए अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना या क्षमा याचना करना। V2 होगा अपोलोजाइज्ड, V3 होगा अपोलोजाइज्ड। अगला वर्ड देखिए अपॉइंट, अपॉइंट का हिंदी होता है नियुक्त करना या बनाना। V2 होगा अपॉइंटेड, V3 होगा अपॉइंटेड। अगला वर्ड देखिए अप्रिशिएट, हिंदी होगा सराहना करना, प्रशंसा करना। V2 होगा अप्रिशिएटेड, V3 होगा अप्रिशिएटेड। अगला वर्ड देखिए अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है निकट आना या पहुंचना। V2 होगा अप्रोच्ड,
बेहतरी होगा अप्रोच्ड। अगला वर्ड देखिए अप्रूव। अप्रूव का हिंदी होता है स्वीकार करना, मंजूर करना। वीटू होगा अप्रूव, बेहतरी होगा अप्रूव्ड। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगला वर्ड देखिए 25 नंबर पे है आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, तर्क करना। वीटू होगा आर्ग्यूड, बेहतरी होगा आर्ग्यूड। अगला है अराइज। अराइज का होता है उठाना या जागना। बीटू होगा अरोज, बीत्री होगा अरोज। अब अगला वर्ड है अराउज। अराउज का मतलब होता है जगाना या उत्तेजित करना। बीटू होगा अराउज्ड, बीत्री होगा अराउज्ड। अगला वर्ड देखिए अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना या बंदी करना। बीटू होगा अरेस्टेड, बीत्री होगा अरेस्टेड। अगला वर्ड है अराइव। अराइव मतलब होता है पहुंचना। भीटू होगा अराइव्ड, भीतरी होगा अराइव्ड। अगला वर्ड है अरेंज। अरेंज मतलब होता है सवारना या व्यवस्थित करना। भीटू होगा अरेंज्ड, भीतरी होगा अरेंज्ड। अगला वर्ड है आस्क। आस्क मतलब पूछना। आस्क का भीटू होगा आस्क्ड, भीतरी होगा आस्क्ड। अगला है असिस्ट। असिस्ट मतलब होता है हाथ बटाना या सहयोग देना। भीटू होगा असिस्टेड, भीतरी होगा असिस्टेड। असिस्टेड यहाँ पे एस छूटा हुआ है, असिस्टेड। अगला देखिए एसोसिएट। एसोसिएट मतलब होता है मिलना या शामिल होना। भीटू होगा एसोसिएटेड, भीतरी होगा एसोसिएटेड। अगला वर्ड है स्टोनिश। स्टोनिश का मतलब होता है चौंकाना या चकित करना। भीटू होगा स्टोनिस्ट, भीतरी होगा स्टोनिस्ट। अगला वर्ड है अटैक। हिंदी होगा आक्रमण करना या धावा बोलना। भीटू होगा अटैक, भीतरी होगा अटैक्ट। ध्यान से सुनिए वीडियो को, 102 बार आप देखेंगे आपको 100% वर्ड याद हो जाएगा, पूरे ध्यान से देखें। अगला वर्ड देखिए अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब होता है अजमाना या कोशिश करना। भीटू होगा अटेम्प्टेड, भीतरी होगा अटेम्प्टेड। अगला वर्ड है अटेंड। अटेंड मतलब होता है ध्यान देना या उपस्थित होना। भीटू होगा अटेंडेड, भीतरी होगा अटेंडेड। अगला वर्ड देखिए अटेस्ट। अटेस्ट मतलब गवाही देना या प्रमाणित करना। भीटू होगा अटेस्टेड, भीतरी होगा अटेस्टेड। अगला वर्ड देखिए अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब होता आकर्षित करना या लुभाना। भीटू होगा अट्रैक्टेड, भीतरी होगा अट्रैक्टेड। अगला वर्ड देखिए ऑडिट। ऑडिट का होता है हिसाब किताब की जांच करना या लेखा विखा जो भी होता है। भीटू होगा ऑडिट करना, सॉरी ऑडिट का है भीटू होगा ऑडिटेड, भीतरी होगा ऑडिटेड। अगला वर्ड देखिए ऑथराइज। ऑथराइज मतलब होता है अधिकार देना या प्रमाणित करना। भीटू होगा ऑथराइज्ड, भीतरी होगा ऑथराइज्ड। अगला वर्ड देखिए अवेल। अवेल मतलब होता है उपयोग करना या लाभ उठाना। बीटू होगा अवेल्ड, भीतरी होगा अवेल्ड। अगला वर्ड देखिए अवॉइड। अवॉइड मतलब होता है त्याग करना, बचना या दूर रहना। बीटू होगा अवॉइडेड, भीतरी होगा अवॉइडेड। अगला वर्ड देखिए अवेक। अवेक मतलब होता है जागना या सक्रिय होना। बीटू होगा अवोक, भीतरी होगा अवोक। और तीसरा भी भीतरी है इसका अवेक्ट। अब देखिए अगला वर्ड अवार्ड। अवार्ड मतलब इनाम देना। बीटू होगा अवार्डेड, भीतरी होगा अवार्डेड। अगला वर्ड है अपियर। अपियर मतलब होगा प्रकट होना। बीटू होगा अपियर्ड, भीतरी होगा अपियर्ड। अगला वर्ड देखिए अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है बुराई करना या गाली देना। बीटू होगा अब्यूज्ड, भीतरी होगा अब्यूज्ड। अगला देखिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना या किसी चीज पे हाँ भर देना। अगला हिंदी सबिट होगा एक्सेप्टेड, भीतरी होगा एक्सेप्टेड। अगला वर्ड है एक्ट। एक्ट मतलब अभिनय करना। बीटू होगा एक्टेड, भीतरी होगा एक्टेड।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा और वीडियो को एक से दो बार देखें सो दैट कि आपको पूरी की पूरी हिंदी इसके समझ में आ जाए और आप इनको प्रयोग करें। दोस्तों आगे मैं आपके लिए अगला वीडियो इस पे लेकर आऊंगा, इसमें पूरा का पूरा ए से वीडियो है, मैं अगला वीडियो बी से लेकर के आऊंगा और मैं आपको 1000 वर्ड का सीरीज कराऊंगा जिसमें कि आपको कम्प्लीट 1000 वर्ड मैं कराऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट अवश्य भेजें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।